और राइट गाइस, सो जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा कैसे हमने मुक्तिनाथ के दर्शन किए, कैसे हमने मस्टैंग की खतरनाक रास्तों को पार किया, अब बारी है काठमांडू की, पशुपतिनाथ टेंपल की। तो चलो जल्दी चलें गाइस, फाइनली फिफ्थ डे इज ओवर। लास्ट व्लॉग में आपने देखा जैसे कि हमने मुक्तिनाथ के दर्शन करे विष्णु भगवान के, अब क्या है बैक टू पवेलियन। अब जो है काठमांडू का सर्किट करना है पशुपतिनाथ, तो चलो अब कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। बाकी तो यार रोड तो तुमने देख ही लिए, फिर भी आपको जल्दी से मैं मैप बता देती हूँ कि आज की जर्नी हमारी क्या रहेगी। सो हमने अपनी जर्नी शुरू की मुक्तिनाथ से काठमांडू तक की, जिसको कवर करने में कम लगेंगे 13 घंटे, जो कि एज पर द मैप है। तो मान लो भाई, अगर मैप बता रहे 13 घंटे, तो आपको कम से कम 15 घंटे लग ही सकते हैं, बिकॉज ऐसी रोड्स हैं ना भाई, मज़ा आ जाएगा। सो टोटल डिस्टेंस मुक्तिनाथ से काठमांडू तक का है 375 किलोमीटर। और अगर आपको बीच में हॉल्ट चाहिए तो मैं सजेस्ट करूँगी आप पोखरा में रुको, क्योंकि पोखरा बहुत ही सुंदर जगह है और वहाँ पे आप अपनी नाइट स्पेंड कर सकते हो। सो फिर हमने अपनी मुक्तिनाथ की खतरनाक सड़कों को अलविदा किया और काठमांडू के रास्तों की तरफ बढ़ चले, और देखते हैं अब काठमांडू हमारे लिए क्या सरप्राइजेस लेकर आता है। सो ऐसे चलते चलते हमें बहुत सारे जंगल मिले, बहुत सारी वाटर क्रॉसिंग्स मिली जिनको हमने पार किया, और एक डेंस फॉरेस्ट में हमें स्पॉट मिला जहाँ पे हमने बैठ के थोड़ा सा टी ब्रेक लिया, बिकॉज बहुत लंबा रास्ता यार, थक जाता है इंसान। सो गाइस, फाइनली एक डेंस फॉरेस्ट टाइप का मिला, देख रहे हो, और हमने यहाँ कुर्सियाँ डाल ली हैं। अपनी जोरावर का हाल देखो, क्या मज़े ले रही है इस ऊँचे ऊँचे डेंस जंगल में। अ क्विक अपडेट गाइज, यहाँ हम लोगों ने फाइनल किया कि हम लोग आज पोखरा में ही स्टे करेंगे, बिकॉज मुक्तिनाथ से पोखरा का डिस्टेंस ही 175 किलोमीटर्स है, जिसको पार करने में कम से कम आपको 7.5 घंटे लग सकते हैं। और यहाँ काठमांडू चले भी जाएं, बट पहुँचते पहुँचते आपको वैसे ही रात हो जाएगी, बिकॉज रोड कंडीशंस आर नॉट दैट गुड, और आपको साथ साथ ट्रैफिक भी मिलता है काफ़ी। तो आई थिंक वाइज डिसीजन यही था हमारे लिए कि हम आज पोखरा में स्टे करें एंड फिर कल वहाँ से अपनी काठमांडू तक की जर्नी को कम्प्लीट करें। और फाइनली ये हम आ गए पोखरा में वापस, और पोखरा आए हैं और बारिश ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये देखो, पोखरा ने हमारा स्वागत किया बारिश के साथ। तो यार ये है पोखरा की शामें, वहाँ की रातें बहुत ही ज़्यादा चिलिंग वाइब है यार। यहाँ पे लोग आराम से चिल मार रहे होते हैं शाम को, बारिश की बूंदें पड़ रही होती हैं साथ साथ, और आपका पार्टनर, वाह मज़ा ही आ जाता है। सो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का नज़ारा। रात को बहुत ज़्यादा थक गए थे तो यार हमने कुछ शूट नहीं किया। सो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग जब हम निकल रहे हैं टूवर्ड्स काठमांडू फाइनली। तो हम जिस होटल में रुके थे उस होटल का नाम है होटल ग्रीन लैंड। तो यहाँ पे हमें रात को सही सा स्टे मिल गया, हम लोगों ने आराम से अपनी नींद पूरी की, और नेक्स्ट मॉर्निंग हम पूरे जोरों शोर से रेडी हैं काठमांडू जल्दी से पहुँचने के लिए और उसको एक्सप्लोर करने के लिए। Alright boys and girls, तो सीन ये है, पोखरा से निकल गए हैं तो ऑलमोस्ट ये लगा लो 205 किलोमीटर है, और थोड़ी कच्ची रोड है 101 किलोमीटर की, उसके बाद जो है हाईवे स्टार्ट हो जाएगा। तो अराइवल दिखा रहा है 1:30 बजे का दिखा रहा है, वही 1:30-2 बजे तक लगा देंगे गाड़ी, उसको चेक इन करके काठमांडू को एक्सप्लोर करेंगे। सो फाइनली गाइज, हम लोग पहुंच चुके हैं काठमांडू में, और जैसे ही हमने काठमांडू में एंटर किया ना, हमें बिल्कुल पुराने दिल्ली जैसी वाइब्स आई। वैसे पुरानी बिल्डिंग्स दिख रही थी, वैसा ही ट्रैफिक दिख रहा था। सो यहाँ पे डिफरेंस इतना ही था कि यहाँ की सड़कें जो थी वो थोड़ी ज़्यादा चौड़ी थी, इसलिए हमें ट्रैफिक का इतना ज़्यादा पता नहीं लगा। अब इस टाइम पे सबसे इम्पॉर्टेंट काम हमारा यही था कि हम जल्दी से एक सही सा होटल ढूंढे, चेक इन करें एंड उसके बाद जो है पशुपतिनाथ टेंपल के दर्शन करें। तो चलो जल्दी से होटल को ढूंढते हैं। तो हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा यार, पशुपतिनाथ टेंपल रोड जो है वहीं पे हमें कावेरी इन मिल गया, जिसमें बेसमेंट पार्किंग थी और सब कुछ सॉर्टेड था। तो गाइस फाइनली हम जो हैं टैक्सी में बैठ गए हैं, भाई की छोटी अपनी इको है, तो अपने होटल से कावेरी इन से 21 मिनट दिखा रहा था, तो मैंने कहा धूप हो रही है भाई,
एक काम करते हैं, टैक्सी ले लेते हैं यहाँ पे ना, टुक टुक टाइप कुछ ऑटो वाटो नहीं मिलता। जोरावर को छोड़ के अच्छा तो नहीं लग रहा, बट जोरावर जो है अपनी थार जो है थोड़ा रेस्ट कर ले, नहा धुला के उसको रख दिया है। देखिए गाइस यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा कैची है वो, एक तो क्योंकि जीप रैंगलर यहाँ पे आई थिंक 1.5 करोड़ के आसपास की है, जब अपनी 1 करोड़ की है जो, और अपने जो मॉडिफिकेशन हुए हैं इतने, उसके बाद तो 1.25 करोड़ के आसपास की है। तो मैंने कहा यार नहीं निकालता हूँ, जितना दिखाना था दिखा दिया। तो गाइस अभी जो है मैंने एंट्री ले ली है पीछे जो है अपना चेक पोस्ट। सो यहाँ से मेन शुरू हो जाती है एंट्रेंस पशुपतिनाथ टेम्पल की, यहीं तक जो है आपकी कैब या अगर आप प्राइवेट अपने आ रहे हो तो वहीं पर आपको रोकना पड़ेगा, बिकॉज इसके आगे तक जो है गाड़ियाँ नहीं जाती। साइड पे ही पार्किंग थी काफ़ी खुली, तो आप वहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हो। सो सबसे पहले मास्क लिया हम लोगों ने, फिर उसके बाद जो है पूजा की जो सामग्री होती है वो यहाँ से ली। यहाँ पे बहुत सारी आपको शॉप्स मिल जाएंगी, आप कहीं से भी खरीद सकते हो। सो ये सबसे आगे आगे थी तो हमने यहीं से जो है ये सारी सामग्री कलेक्ट कर ली। और मनी जो है काफ़ी टाइम से बोल रहे थे यार कि उनको रुद्राक्ष पहनना है, तो यहाँ फाइनली उन्होंने रुद्राक्ष खरीदा और उसको संभाल के रखा ताकि अंदर पूजा के बाद जो है वो रुद्राक्ष पहन सकें। तो गाइस फाइनली प्रसाद ले लिया है, जूते वहीं रख दिए पीछे, और अब आगे बढ़ते हैं मंदिर की तरफ, दर्शन करते हैं। सो यहाँ से स्टार्ट होती है मंदिर की एंट्रेंस। मनी और मेरा ये फर्स्ट टाइम है जब हम नेपाल आए हैं और पशुपतिनाथ टेम्पल को विज़िट कर रहे हैं, तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे मंदिर में दर्शन करने के लिए। मंदिर के एकदम अंदर जाके आप फोन्स नहीं यूज़ कर सकते, कैप्चर करना बिल्कुल अलाउड नहीं है, तो हम लोग नहीं करेंगे, इसीलिए हमने बार बार का सारा शूट किया है। अगर आप भी कभी आ रहे हो पशुपतिनाथ टेम्पल तो मैं आपको इसके जल्दी से टाइमिंग्स बता देती हूँ। सुबह 4 बजे से रात के 9 बजे तक टेम्पल खुला रहता है, बट अगर आपको दर्शन करने हैं तो आप सुबह 5 बजे से लेके 12 बजे के बीच में दर्शन कर सकते हो। एंड अगर आप शाम को आना चाहते हो तो शाम को आप 5 बजे से 7 बजे तक आ सकते हो। पशुपतिनाथ टेम्पल के 4 दरवाजे हैं, जिनमें से ये मेन दरवाज़ा है और बाकी 3 दरवाजे सिर्फ फेस्टिव टाइम पर ही ओपन होते हैं। इस गेट के अंदर जाते ही सबसे पहले आपको दिखते हैं नंदी जी, एंड उससे पहले आपको जो है अंदर मेन टेंपल जाना होता है, जहाँ पे आपको पंचमुखी शिवलिंग दिखेंगे एंड वहाँ पे आपको दर्शन करने होते हैं। वहाँ दर्शन करने के बाद जब आप वापस आ रहे होते हो तब आप नंदी जी के भी दर्शन करते हो। पशुपतिनाथ टेम्पल वर्ल्ड का सबसे पुराना और सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है, और इस टेम्पल के एरिया में ही कम से कम 500 टेम्पल्स हैं, छोटे छोटे टेम्पल्स बने हुए हैं। मनी और मुझे विज़िट करके टेम्पल बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आई। अंदर जब आप जाते हो तो आपको एक इंटरनली बहुत अच्छा फील होता है, तो नेक्स्ट टाइम आप भी कभी नेपाल आओ तो पशुपतिनाथ टेम्पल ज़रूर आना। Thank you for watching guys. Har Har Mahadev.